लालू यादव अगर राम है तो मैं कलयुगी हनुमान हूँ। हाँ, इतना गहरा संबंध है। मैं उनके लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया। हाँ, लालू यादव जी के लिए बेटा बेटी को छोड़ दिया। भैया हमको गोली लगा है लालू यादव के लिए, देख लीजिए मैं गोली खाया हूँ। हमको नक्सली 2003 में हमको मार दिया था, इधर भी काट कूट दिया। बरसात तो आया नहीं, बैंक कूद रहा है, और बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हम ऐसे ही जीत गए। अरे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, आ खुशबू आ नहीं सकती है योगी और मोदी के कमल के फूलों से। आज अप्पा का है उसका मतलब, भाजपा का मतलब हुआ शॉर्ट, पाओ और भाग जाओ। हाँ। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, और ना अपने आप का है, और ना ही अपने बाप का। एक नंबर पे लंटेन आएगा, एनो ने हट के लंटेन पर सट के, अमरिया बटम डट के, सोना चांदी पीतर, और बाकी उम्मीदवार भी। ना चाहे झाड़ू, ना चाहे मेहरारू, हमरा चाहे दारू। अरे नीतीश कुमार खाली सिर्फ कागज में बन किए है। हाँ। खुलियाम तो अभी भी बेचारा हमारा लेके वही किया है। लेके आया सामने देखे, लेके बैठल है, महुआ लेके बैठल है। इस वक्त हम लोग गोपालगंज के बिशुनपुर में है, और सबको पता है कि गोपालगंज में उपचुनाव हो रहा है, और हमारे साथ यहाँ पे छोटा लालू यादव जी है। थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, भले इनका वास्तविक नाम क्या है सभी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पूरे बिहार के लोग ये जानते हैं कि आप छोटा लालू यादव जी हैं। स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत, आपके चैनल को भी स्वागत। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम बिरेंद्र शर्मा हुआ, घर चैनपुर जिला सिवान, मैं इसी सारण प्रमंडल सिवान का चैनपुर के हूँ। अच्छा बिरेंद्र शर्मा जी, आपको लोग छोटा लालू यादव काहे कहने लगे? लालू यादव अगर राम है तो मैं कलयुगी हनुमान हूँ। हाँ, इतना गहरा संबंध है। मैं उनके लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया। हाँ, लालू यादव जी के लिए बेटा बेटी को छोड़ दिया। हाँ। अच्छा, तो लालू वर्तमान समय में तो लालू यादव जी राजनीति से ज्यादा कुछ ही नहीं है, क्योंकि उनका तबीयत अभी खराब है। अच्छा, उनका जो बेटा है तेजस्वी और तेज प्रताप, उनसे आपका कैसा संबंध है? उनको हम बेटा समझते हैं, उनको अपने कोरा में खिलाए भी हैं, वो आपको भाव नहीं देते हैं, लेकिन राजनीति में कोई कोई जरूरी है कि भाव मिलेगा तब ताव चढ़ेगा। क्योंकि आप ही एक बार गुस्सा गए थे। तब तो हमारा तो बराबर बयान रहता है, जो पार्टी के और लालू हित में कोई बात करेगा मैं उसका बात करूंगा, जहाँ लालू यादव के उत्पटांग बात करेगा हम उसके बात करेंगे, या कोई भी। यानी कि स्पेशल लालू यादव जी के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं? मैं लालू यादव के लिए सोता हूँ, लालू जी के लिए रोता हूँ, लालू जी के लिए मरता हूँ, लालू जी के लिए जीता हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं। अच्छा, जिस सीट से अभी जिस सीट के लिए आप लोग वोट मांगने के लिए आए हैं, यहाँ तो भाजपा और समझे कि त्रिकोणीय सीरीज लगभग लग रहा, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। बरसात तो आया नहीं, बैंक कूद रहा है, और बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हम ऐसे ही जीत गए। अरे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, आ खुशबू आ नहीं सकती है योगी और मोदी के कमल के फूलों से। अच्छा, बीजेपी वाले लोग तो ये कह रहे हैं कि हम लोग पिछले कई सालों से कई बार से चुनाव जीतते आए हैं। भैया भैया सुन लीजिए भैया, वन प्लीज, भाजपा का है भाजपा, भाजपा का है उसका मतलब, भाजपा का मतलब हुआ शॉर्ट, पाओ और भाग जाओ। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना अपने आप का है, और ना ही अपने बाप का है, पावर भाग जाओ। अच्छा, आरजेडी का मतलब एक बार आपने बहुत शानदार तरीके से समझाया था, क्या है आरजेडी का मतलब? आरजेडी का मतलब हुआ राज देना। आप तो एक बार दूसरे बताए थे। देखिए समय गुस्सा होते हैं तो बयान बदल जाता है, बयान बदल जाता। अच्छा, उस समय क्या बताया था आरजेडी का पूरा नाम? राक्षस पार्टी, राक्षस पार्टी बताए थे। और एक और चीज कहते हैं आरजेडी का मतलब होता है माल दो तो रहो, नहीं तो भाग जाओ। देखिए मेन बात है, जो कल की बात हो गई, इनार एकल तक इनार में से पानी निकाला जा रहा था, ये अभी के ये पानी पॉइजन हो गया होगा, उसको शंकर भगवान और लालू जी के कृष्ण भगवान पी सकते हैं, बाकी लोग इस पानी को पीने की ताकत नहीं है। अच्छा, तो बीजेपी वाला लोग तो कह रहा है कि हम लोग पहले से जीतते हैं तो अभी भी जीतेंगे, आरजेडी का कोई वैल्यू ही नहीं है। बाबू जी के सीट हवा का मऊसा का सीट है वो, गो से गुवार भू से भूमियार, आ चलेगा तेजवसी कुर्मी से बिहार, खत्म हो गया भारतीय जनता पार्टी, भारत जलाओ पार्टी है बीजेपी, नहीं जीतेगी यहाँ से। कहाँ से भैया, एकदम चैलेंज दे रहे हैं हम अपने चैलेंज दोनों सीट पर। मोकामा में भाई अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह लाखों वोट से जीतेगी, और हमको लग रहा है गोपालगंज में कि जो हमारी बहन बेटी वोटर भी नहीं होगी, वो भुरका पहन के जाकर लंटेन पर सीधे तीन तारीख को, अब जो भी एक नंबर पर लंटेन आएगा, एनो ने हट के लंटेन पर सट के, अमरिया बटम डट के, सोना चांदी पीतर, और बाकी उम्मीदवार भी। जब ले नीतीश जी हम लोगों से अलग रहे
हम उनका विरोधी थे। नीतीश जी मेरे साथ हैं और अगला प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार बनेंगे और मोदी जी और योगी जी सरंगे बजाएंगे। ये बात वही ना है कि नीतीश जी को दिल्ली भेज के उधर भी खत्म और इधर भी खत्म, ये प्लान नहीं ना चल रहा है। तो हम तो कहा ना कि लालू को मिला रेल, राबड़ी हो गई फेल और साधु गए जेल, रेल गया बंगाल तो लालू हुए कंगाल। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। हम तेजवासी को लंगटे खिलाए हैं, तेज प्रताप को लंगटे खिलाए हैं और तेजे प्रताप के चलते हमको बयानबाजी हमने किया था कि जाओ तुमको मुख्यमंत्री बने, बबुआ बाड़ा मुख्यमंत्री बने के। झूठ बोल रहा है, आप झूठ बोल रहा है। एक बार तो देखे जब लालू यादव जी जेल से निकल के आ रहे थे तो पार्टी कार्यालय के गेट पे खड़ा होकर आप कुछ निशान दिखा रहे थे कि मैं लालू प्रसाद यादव के लिए। अरे भैया हमको गोली लगा है लालू यादव के लिए, देख लीजिए मैं गोली खाया हूँ। हमको नक्सली 2003 में हमको मार दिया था, इधर भी काट कूट दिया है। तो हम हमेशा मार खाए हैं, सिर्फ लालू फैमिली के लिए, लालू यादव के लिए हमारा आदर्श। अच्छा हमारा वो बेरा आप कहे गुस्सा गए थे, कह रहे थे कि बबुआ सपना देखो तारा मुख्यमंत्री के तो कहियो ना बनवा भुला जा, वो बेरा कहे आप इस तरह से बोल रहे थे, क्या वो लोग भाव नहीं दे रहा था आपको? एक कार्यकर्ता को आप मारिएगा, सिपाही नहीं रहेगा तो दरोगा और SP का क्या पावर है। अच्छा जाते जाते अब तो चुनाव का हम लोग चर्चा कर रहे थे, बाकी एक बार फिर आपसे निराओं से मिलेंगे। तो जाते जाते बीजेपी वाले लोग को, मामा को और एक और विदेशी पार्टी जो कूद के यहाँ पे आ गया चुनाव में, उन लोगों को क्या संदेश दीजिए? वैसी को चलिए वैसी है, गलती से 5 विधायक को जिताए, गलती से जीता। मुसलमान लोग जीता, क्या हाथ पकड़ पकड़ के दबवा दिए थे क्या? नहीं, पतंग तो कब कट के कहने उजर गया। अच्छा, सब लंटे में शामिल हो गया जिस दिन नरेंद्र मोदी समाप्त होंगे और नीतीश कुमार की सत्ता आएगा तो मोदी भी गोदी में जाएंगे और अमित शाह भी तेल नापने का काम करेंगे। अच्छा तो पहले नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बना दीजिएगा कि पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइएगा? देखिए जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुख्यमंत्री तो अपरूपी है तेजस्वी, ऑटोमेटिक वार इन फाइनल, माने कि ये वो तीर से दुगो निशाना है। फाइनल तीर चलाना है कमल पर, तीर चलाना है उनके विरोधी पर, तीर चलाना नहीं गरीबों पर। लिखा प्रदेश खाली आप तीर चला चला के परेशान करिएगा, लालटेन का कीजिएगा। अब वो देखिए उतना फिरते का ही है, आप बताइए, सवाल पूछेगा ना भाई, लोग कमेंट में लिखता है कि लालटेन के बारे में कहा नहीं बतिया है, ये अपना पार्टी को छोड़ा की तरह निकाल दिया अलग अलग। लोग कह रहा है कि लालटेन जलेगा नहीं, लालटेन का किरासन तेल 110 रुपया। सही बात है, तो कोटा में बंटवा रहे हैं। अरे भैया एक बार हम गाड़ी से जा रहे थे तो नहीं जला, तो हम पानी नहीं, हम महुए डाल दिए स्टार्ट हो। तो महुआ से तो चलता है महाराज, तो महुआ वो तो बंद रखे हैं ना? तो महुआ बंद नहीं होगा। अरे नीतीश कुमार खाली सिर्फ कागज में बंद किए हैं, खुलियाम तो अभी भी बेचारा हमारा लेके अब ही किया है। लेके आया सामने देखिए, लेके बैठल है महुआ, लेके बैठल है ना। अच्छा खैर, तो आपका सरकार है तो कहीं से व्यवस्था हो जाएगा। अच्छा जाते जाते ओबीसी के पार्टी, बीजेपी के पार्टी के नेताओं को और खास करके अपन मामा, जो कैसन मामा है? देखिए मामा के बारे में तो तेजस्वी ने बताया, आप नहीं बताइएगा, हम उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। तो लालू यादव अभी तो तेजस्वी के भाई के समान ना है। अब समझ लीजिए कि मामा का सो गए धामा, साधु यादव गए, अब वो आप बोलिए, हम नहीं बोलिए, आप नहीं बोलिएगा, डर रहा है। अच्छा चलिए चलिए, चुनाव है तो क्या कहिएगा उन लोगों को, विपक्षी पार्टी के नेताओं को क्या कह दीजिएगा? विपक्ष में रहेगा, जो भी ओवैसी जी आए हैं वो आंध्र प्रदेश में अपना गुड्डी उड़ावे, बिहार में गुड्डी चलने वाला ना पूर्णिया ना मधेपुर ना मोकामा में चलेगा और ना ही गोपालगंज में चलेगा। बीजेपी के कमल कीचड़ है, नहीं बाकी बरसात हो गई नहीं तो खिलेगा कहाँ से। काम करता हूँ, सच्चाई छुप नहीं सकता बनावट के असूलों से और खुशबू आ नहीं सकता है कमल के फूलों से। और हाथी का क्या होगा? हाथी में चिवटी घुसेगा। चलिए छोटा लालू प्रसाद यादव से जिनसे हम चुनाव के साथ साथ शराबबंदी पे चर्चा करें, बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में डालिए। जय हिंद।